पार्टी का खेल, एक ही तीर से कितने लोगों को दुखी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में सवाल दूसरा है, बंगाल में दूसरा है, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में जो लोग निकल करके आए हैं वो नहीं चाहते कि संविधान से छेड़खानी हो। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार हमारे बचे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, जो धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार धमकी नहीं दी इन्होंने, सदन में कहा कि ठोको, और उसका परिणाम क्या हुआ कि निर्दोष लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बदला लो, जितनी भी उत्तर प्रदेश में जान गई हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी की भाषा की वजह से गई हैं। जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकले, लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप विरोध कर रहे थे, ये तो अधिकार हमें मिला है। इन अधिकारों से भी वंचित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी ऐसे काले कानून का विरोध किया है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जनता के बीच में भी, और आज भी विरोध करती है। एनआरसी जैसे के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती, और यह सब जानबूझकर के इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। जो लोग ये नारा देते, जो स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है नारा, ये हमारी पुराना, सदियों पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात, जो हमारी पहचान है, हमने, भारत के लोगों ने जो भी आया उसे स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहकर के दुनिया में गर्व करते थे कि हम उस धरती के लोग हैं, हम उस धरती से आते हैं, हम उस धरती के रहने वाले हैं जहां पर सबको सम्मान मिला, हक मिला, और सबको बराबरी के साथ देखते हैं। बताओ हमारी परंपरा का क्या होगा, दुनिया में क्या मुंह लेकर के जाएंगे आप। आज केवल भारत में विरोध नहीं हो रहा है, दुनिया का कोई कोना नहीं बचा जहां विरोध ना हो रहा हो। जामिया के बाद, एएमयू के बाद, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची जहां पर विरोध ना हो गया हो। तो ऐसी क्या बात है, और वजह साफ है कि जब अर्थव्यवस्था डूब गई हो, किसान की आय दोगुनी ना कर पा रहे हो, गन्ने की कीमत ना दे पा रहे हो, जो बकाया है गन्ने का वो ना दे पा रहे हो, जो गन्ने की कीमत बढ़नी थी वो ना दे पा रहे हो, धान की कीमत नहीं दे पा रहे किसान को, आलू की कीमत नहीं दे पा रहे किसान को, और बड़ा दावा करते थे कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। जिस समय 370 पे बहस हुई तब भी मैंने कहा ये कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट आया है। और जो हालात पैदा देश के कर दिए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपना मुनाफा लेकर के भारत से जा रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। ये केवल लोगों का ध्यान हट जाए। और जहां तक सवाल दंगों का है, दंगा कराने वाले तो सरकार में बैठे हैं। क्या पिछले वर्ष लोगों को याद नहीं है कौन लोग कराते थे दंगा? और दंगे से लाभ तो उसी को मिलेगा जो सरकार में रहते हैं। इसीलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, लोगों को डरा रही है। और कैसे नफरत की दीवार और बड़ी पैदा हो जाए समाज के अंदर, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि असली मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है। प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें सरकार ने बड़ा आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा ये प्रायोजित था, हिंसा करवाई गई, विपक्ष के लोग लगातार हवा दे रहे थे हिंसा को लेकर। अगर वीडियो क्लिप देख करके ये चिन्हित कर रही है सरकार,
कि कौन लोग आगे घटना कर रहे थे, तो सरकार को वो वीडियो भी देखना चाहिए जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से शासन और प्रशासन के लोगों ने लोगों के साथ जो अन्याय किया, जो शुरुआत की है, तोड़फोड़ की है। कई वीडियो ऐसे हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें पुलिस खुद तोड़फोड़ कर रही है, पुलिस खुद उकसा रही है। जहां और प्रदेशों से सूचनाएं आ रही थी, दिल्ली से सूचना आ रही थी, बंगाल से सूचना आ रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया है पुलिस ने खुद? कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पुलिस ने खुद तोड़फोड़ की है। अगर कहने की बस जल गई तो हम तो शासन प्रशासन से कहेंगे आखिरकार वो बस आई कैसे, लाया कौन, उसका वीडियो भी तो आपके पास होगा। सरकार का कहना है कि ये जो सीए आया है इसमें किसी भारतीय नागरिक का कोई नुकसान नहीं है और विपक्ष अपनी राजनीति के लिए केवल इसको हवा दे रहा है। अगर आप गांव से आते होंगे, केवल एक उदाहरण में दे दूं, गांव में किसी भी गरीब का घर का कागज उसके पास नहीं है। हमें लादें वो लोग जो गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, कितने लोगों के पास अपने जमीन के कागज हैं? अगर आप गांव से आते होंगे अपने गांव में पूछिए कि कितने लोगों के पास अपने कागज हैं। गरीब पर कागज नहीं है, बताओ सपेरे कहां से लाएंगे जिनका हम बीन कई बार यहां पर बजवा चुके हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। सरकार चाहती है कि नोटबंदी से जिस तरीके से लाइन में खड़ा कर दिया था कैश के लिए, उसी तरीके से लोग भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं लाइन में और तमाम जो सवाल है उनको भूल जाएं। नफरत से इनको लाभ मिलता है, डरा करके लाभ मिलता है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का काम किया, धरना दिया है। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा है तो वो सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर सब कुछ हुआ है। क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि बदला लो, ठोको, और फिर क्या न्याय केवल जनता के साथ नहीं, क्या प्रेस के लोगों के साथ नहीं हुआ? क्या वो घटना भूल गए आप जिस पत्रकार ने केवल ये दिखा दिया था या खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा था? क्या पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? क्या एक आपके हमारे बीच में बैठे पत्रकार साथी के साथ अपमान का काम नहीं हुआ? क्या नहीं कहा गया कि दाढ़ी नोच ली जाएगी? क्या आप वो बातें भूल गए दिवाली और रमजान की? वो बातें भूल गए क्या कब्रिस्तान और शमशान की? ये भाषा कौन सी हो सकती है आज के जमाने में, जहां इंटरनेट बंद कर देते हो कि कपड़े से हम पहचान लेंगे कौन है? क्या आप नहीं जानते डूबती अर्थव्यवस्था को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नौजवान खड़े हैं लाइन में नौकरी और रोजगार के लिए, उनके पास क्या है बताओ? कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ। आप पड़ोस का उन्नाव देख लीजिए, दो बेटियों ने की जान चली गई, किस लिए? कि केवल न्याय मांग रही थी। दो बेटियों को आत्मदाह करना पड़ा और दोनों बेटी इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं केवल न्याय के लिए। एक बेटी तब बची और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिला। क्या आप पड़ोस में नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? अखिलेश जी, कहा जा रहा कि एनआरसी अभी आई नहीं है, सीए को लेकर पार्टियां जो है लोगों को भड़का रही हैं, उनको बहका रही हैं, अभी एनआरसी तो लागू किया नहीं गया, अभी सीए को लेकर विरोध किस बात? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या स्टेटमेंट नहीं सुने आपने? उनके बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेता क्या नहीं कहते हैं कि एनआरसी लागू होगी?
हजारों की संख्या में जो अज्ञात लोगों के खिलाफ ये सरकार के इशारे पर जानबूझ करके जलाई गई चीजें, जिससे कि आंदोलन और लोगों को डराया जा सके, आंदोलन जो हो रहा है शांतिपूर्ण ढंग से उसको दबाया जाए। ये जानबूझ करके किया जा रहा है, इसलिए जिससे कि आंदोलन न किया जाए, जनता को डराया जा सके। लेकिन जनता शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करती रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो खड़ी रहेगी जनता। एनआरसी और सीएबी में सरकार ने नोटबंदी में क्या उदाहरण दिया था? सरकार ने नोटबंदी में क्या कहा था? सरकार ने नोटबंदी में कहा था कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार की बैंकें डूब गईं, उद्योगपति बर्बाद हो गए। जीएसटी में क्या कहा था सरकार ने? क्या सब हम भूल गए? 370 हटाते समय कहा कि हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वहां के लोगों को नौकरी देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे। कहां गया वो नौकरी, कहां गए वो टूरिज्म, बताओ? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न जाने किस किस ने इन्वेस्टमेंट मीट में शामिल होकर के भरोसा दिलाया। मैं जानना चाहता हूं कितना इन्वेस्टमेंट आया है। इन्वेस्टमेंट भूल जाइए, जीरो इन्वेस्टमेंट आया है। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी अपना सामान उठा करके भारत से लेकर के जाएंगी। ये सरकार हटाइए, जनता से यही अपील है, क्योंकि विधायक 2020 खेलने के पूरे मन में हैं। नया साल आएगा तो देखेगा विधायक कैसे 2020 खेलने सरकार के साथ। अभी सदन में तो आपने देखा था उनका गुस्सा। और ये 300 विधायक जो नाराज हैं, उस नाराजगी को छिपाने के लिए सब ये व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये ना जाने, ये जान लें कि जिनके शीशों के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। आप उन विधायक का वीडियो हर जगह है, अवेलेबल है, आप पूरा देख लीजिए शासन प्रशासन क्या कर रहा था। अमिताभ वाजपेयी केवल वहां लोगों को समझा रहे थे। सर ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना अवैध वोट बैंक बचाने के लिए एसीसी, पहले तो अपनी भाषा ठीक करिए, अवैध वोट तभी मैं जवाब दूंगा जब अपनी भाषा ठीक रखेंगे आप। जो दंगा करने वाले लोग हैं वो सरकार में बैठे हैं। सर किन पॉइंट्स पे आपत्ति है इन दोनों में, सीएबी और एनआरसी में? संविधान से छेड़खानी नहीं हो, यही सबसे बड़ी आपत्ति है। क्या आप चाहते हैं कि प्रेमबल मैं दोबारा यहाँ स्क्रीन पे ला दूं, जिसे आप भी पढ़ लें, आप भी देश को बता दें? बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मिली हैं जहां लोगों का नहीं पता लग रहा है, और जो इन लोगों की जान भी गई वो गरीब लोग हैं। लखनऊ का जो जान गई जिसकी, वो केवल अपने लिए दवाई और खाने का इंतजाम कर रहा था, उसे कहीं ये लगा कि कहीं कर्फ्यू ना लग जाए, क्या वो दोषी था उसमें? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली सरकार नहीं है। अभी तो प्रेस के एक ही दो लोगों के साथ हुआ अपमान का व्यवहार। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को हटाना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। समय आने पर आपका भी गुस्सा दिखाई देगा, मुझे जानता हूं इस बात को। लेकिन मुझे जानकारी सदन से मिली है कि विधायकों ने नए वर्ष पर मन बनाया है 2020 खेलने का, और इसीलिए सरकार ध्यान हटाना चाहती है। आपने सदन में देखा था कि नाराज कितने बैठे थे? हम तो समर्थन देने वालों में से हैं। सर ये
सर पूरे जो इफेक्टेड एरिया थे वहाँ से बहुत से लोगों के परिवार से पूरे पूरे लोग उठा लिए गए हैं, महिलाएं और बुजुर्ग भी उठाए गए हैं। देखिए मुझे आपसे अपील है कि आप लोग भी संविधान और देश बचाइए, आपका योगदान हमेशा रहा है, आगे भी रहे। सर सर इफेक्टेड एरिया से तमाम लोग उठाए गए, पूरा पूरा परिवार, उन लोगों का कहना है कि वो लोग कहीं शामिल नहीं थे फिर भी पूरे पूरे परिवार को उठा लिया गया। ये जानबूझ करके सरकार डराना चाहती है लोगों को, नफरत फैलाना चाहती है सरकार। तो 2007 का भी जुर्माना दे दें मुख्यमंत्री जी, नहीं जो गोरखपुर में दंगे हुए थे उसका जुर्माना कौन देगा? अगर शुरुआत हो तो सरकार अपनी शुरुआत करे वहां से। मैं फिर एक बार अपील करता हूं कि जो बात कहनी है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे, समाज के ताने बाने को मजबूत करे, उसी तरह की बात रखी जाए, उसी तरीके के धरने हों। बीजेपी के लोगों को खुद नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं वो देश के साथ? उन्हें तो इन्वेस्टमेंट लाना था, किसानों की हालत ठीक करनी थी, क्या गन्ने की रेट बढ़ी, क्या धान की कीमत मिली, क्या आलू की कीमत दे पाई सरकार, क्या नौकरी रोजगार दे पाई? अरे लोक भवन तो बनाया था समाजवादियों ने, था प्रतिमा लग रही है, वो प्रतिमा लग रही है, बताइए किसके बनाए पे प्रतिमा लगा रहे हैं? अरे कम से कम उनके गांव में जहां वो पैदा हुए थे वहां एक बना देते थे, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाते वहां, क्या बटेश्वर की तरफ नहीं देखेगी सरकार? और वो सरकार जो अंत्येष्टि जो हुआ था विसर्जन, जिसके पैसे नहीं कर पाई थी, सोचिए वो सम्मान करेगी सरकार? क्योंकि धोखा दे रहे हैं सब मिल करके जनता को, उसमें शामिल दिल्ली वाले भी हो रहे हैं, अब तो काम अपना नहीं है उनका, क्या लोक भवन उनका है? जिस हॉल में कभी कभी आप बैठते हैं क्या वो कुर्सी वो लेकर आए थे? भूल जाइए, मैंने तस्वीर देखी है लोक भवन में, जिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो सोफे भी समाजवादी सरकार के समय लाए गए थे, उसी में इन्वेस्टर वो बैठे थे लोक भवन में। अरे अगर 200 आ जाएं, 50 हमारे ले लें, सर मुख्यमंत्री बना लें अपना, आपको गिनती नहीं पता क्या? ऑफर नहीं, ये बम्पर ऑफर है नए साल पे 2020 का। जब ऐसा सरप्राइज मिला उत्तर प्रदेश को, फिर सरप्राइज मिल जाएगा क्या? आपको पता था जो मुख्यमंत्री हैं वो बन जाएंगे क्या? अब कौन कर रहा है? जब आपको पहले सरप्राइज मिला, फिर सरप्राइज मिल जाएगा भाई। ये सितारे तारे और नक्षत्र तो यही कहते हैं। सर एनडीए के कई घटक दल भी अब विरोध में आ गए हैं इनके, क्या आपको लगता है उनको बिना विश्वास के लिए और एक डिक्टेटरशिप की तरफ? हम उनसे सावधान रहेंगे। डराने की राजनीति नहीं करते हैं, वो विधायक डरा रहे हैं, अब वो गिनती ज्यादा बड़ी है। हमारे उमर बैठे हैं बीच में, क्या पुलिस फेयर है? क्या ये पुलिस फेयर है? क्या ये पुलिस उत्तर प्रदेश की, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो बदला ले लो, उस प्रदेश की पुलिस फेयर होगी? क्या उम्मीद करोगे आप? क्या इतना अच्छा भवन बनाया इसलिए कि न्याय वहां बैठ करके करें लोग? इसीलिए मैंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अगर वो हिसाब किताब दूसरों से मांग रहे हैं तो लोकतंत्र में तो सरकारें आती हैं और जाती हैं। क्या आप नहीं जानते आजम खान साहब के साथ क्या क्या हुआ? और आप तो जिस चैनल के होंगे, क्या आप 8:30 बजे मेरे घर पे नहीं गए थे? बताइए नहीं गए थे क्या आप? तो जब 8 बजे तुम जग सकते हो सरकार के जगाने से, तो कभी 7 बजे भी जगोगे आप लोग? सर
सर प्रदर्शन वाले दिन से ज्यादा आज इंजाम किए गए सुरक्षा के, क्या सरकार विरोधियों से डरी हुई है क्या? 23 तारीख का हमारा कार्यक्रम था बिजनौर का, चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में हम सब लोग इकट्ठे होकर के उनके सम्मान में किसान दिवस मना रहे थे, लेकिन बताइए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। कहा कि धारा 144 लागू है, तो 25 तारीख को भी धारा 144 लागू होगी क्या? हम उस दिन का इंतजार करेंगे। क्या धारा 144 के अंदर वो नहीं आते क्या? क्या धारा 144 उनके लिए नहीं है? क्या धारा 144 केवल विपक्ष के लिए है? क्या चीज? हम तो लखनऊ से लेकर के गए थे लखीमपुर तक, कितनी कमजोर धारा 144 थी, तोड़ते चले गए। जैसे लखीमपुर तक गए और लखीमपुर से वापस आ गए, धारा तोड़ते गए, धारा तोड़ के आ गए। तो इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि केवल धारा 144 कुछ लोगों के लिए है, क्या देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है? आजकल ग्राउंड क्या हम भरते हैं बताइए? हमारा हॉल लबालब भरा हुआ है, ये क्या बात हुई? हॉल भरा हुआ है हमारा लबालब? क्या आपको नोटबंदी याद नहीं? जनता को नोटबंदी याद है। समाजवादी लोग ऐसे नहीं होते जैसा आप समझ रहे हो। बहुत धन्यवाद आपका।